राजधानी रायपुर में कैबिनेट बैठक से पहले उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पत्रकारों से चर्चा की, जिसमें उन्होंने कहा कि शक्ति के समीप हासौद गांव, वहां कमलेश साहू जी शहीद हुए हैं, वहां उनके परिवार से मैं मिला हूं और वहां रोते बिलखते हुए लोगों को देखा। उनकी माता या उनकी बड़ी बहन जो है, वह कमलेश साहू जी के पार्थिव शरीर के गाल पर हाथ दबाकर उसे जगाने का प्रयास कर रही हैं। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि ऐसा दृश्य हरगिज नहीं होना चाहिए। नक्सली ऐसा करते क्यों हैं? क्यों गोली मारते हैं? किसने अधिकार दिया है उन्हें? इस परिवार का दर्द दुख कौन देख सकता है? इसी क्रम में उन्होंने कहा कि इस घटना में जो भी दोषी पाए जाएंगे, वह किसी भी कीमत पर बचेंगे नहीं, छूटेंगे नहीं। कैबिनेट की बैठक की थोड़ी प्रतीक्षा कर लें, आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं। कैबिनेट के बाद वो प्रेस से भी बात करेंगे और सारे विषयों पर आपको जानकारी दें। हम शक्ति के समीप हसौद गांव है, वहां गया था। वहां पर कमलेश साहू जी जो शहीद हुए हैं, उनके परिवार से मिला था। अभी अभी उनकी शादी हुई थी, उनके बच्चे नहीं हैं, परंतु मैंने नवविवाहिता को बिलखते देखा है। वहाँ पर मैंने देखा कि उनकी माता अथवा उनकी कोई बड़ी बहन है, ऐसा मुझे लगा उम्र के हिसाब से, जो कमलेश साहू जी के पार्थिव शरीर में उनके गाल को थपथपा कर उठाने की कोशिश कर रहे थे। बहुत मारपीट है, सब कुछ बहुत कष्टदायी है, ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। और मैं बिल्कुल ये बात समझना चाहता हूँ कि ये क्यों करते हैं नक्सली, ऐसा क्यों बम फोड़ते हैं, क्यों गोली मार रहे हैं। देखिए, बातचीत के लिए कोई भी सरकार हो, सिर्फ भाजपा की बात नहीं है, 100 बार तैयार है, लेकिन गोलीबारी कोई करेगा तो थोड़ी बात बनती है।